हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनीता प्रसाद है। आज मैं आपको मटर पनीर बना के सिखाती हूँ। देखिए इसके लिए क्या सामान लगेगा। मटर पनीर, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, ओनियन जिसे मैंने पेस्ट कर लिया है, जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, तेज पत्ता जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, सॉल्ट, टमाटो एंड फोरन के लिए 5 फोरन जो कि मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले इसमें कटे हुए ऑनियन डालेंगे, 5 फोरन डाल देंगे, ऑनियन डाल देंगे, थोड़ा भून लेंगे, गोल्डन कलर आने तक हम लोग इसको भून लेंगे। देखिए अब गोल्डन कलर करीब आ चुका है, तेल भी छोड़ने लगा है, इसका मतलब ऑनियन भून चुका है। अब इसमें हम लोग मटर डालेंगे ताकि ये भी थोड़ी से भून जाए। इसको भूनते भूनते हम लोग सॉल्ट ऐड कर देंगे ताकि ये नरम भी पड़ने लगे। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिए, आंच कम करके तो धीमे आंच पर थोड़ा नरम होने तक पका लें। उसके बाद हम लोग मसाले ऐड करेंगे। अब मटर थोड़ा नरम पड़ चुका है, अब हम लोग इसमें मसाले डालेंगे। ये गार्लिक पेस्ट है, पूरा 1 चम्मच हम लोग डाल देंगे। जिंजर पेस्ट पूरा 1 चम्मच डाल देंगे। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, रेड चिली पाउडर 1/2 से भी थोड़े से कम चम्मच, और फिर इसको धीमे आंच पर हम लोग ढक ढक कर ताकि मसाले भी भून भी जाए और पक भी जाए पका लेंगे। थोड़ा सा अगर मटर पकने में थोड़ा सा टाइम लग रहा हो तो 2 चम्मच के आसपास पानी आप डाल सकते हैं ताकि ये मटर अच्छे से पक जाए। देखिए अब मटर पक चुका है, इसमें अब हम लोग तेज पत्ता पाउडर 1 पिंच डालेंगे, गरम मसाला पाउडर करीब 1/2 चम्मच, थोड़ा तेज आंच करके थोड़ा सा भून के हम लोग फिर टमाटर ऐड करेंगे। फिर 5 मिनट तक टमाटर को भी पकने देंगे। इसमें हम लोग पनीर ऐड करेंगे। और इसे भी 5 मिनट तक पकने देंगे। अब ये हो चुका है, आप चाहें तो ऐसे सूखा भी रख सकते हैं या आप इसमें थोड़ा पानी डाल के ग्रेवी भी बना सकते हैं। मैंने लगभग सूखा ही बनाया है। इसे धनिया पत्ते के साथ सजाकर इससे आप चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, घर पर ही मटर पनीर कितनी आसानी से बन गया। मेरी बनाई रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे लाइक कीजिए। थैंक यू।